थैंक यू फॉर अच्छा जो क्या चीनू मौसी की रोटी ना मम्मी से ज्यादा टेस्टी होती है। रेडी फाइनल हो गया है भाई, जैन शिकंजे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है 1 अप्रैल और आज है मेरे पापा का बर्थडे। कल हम लोग थार लेके आए थे, थार लेके आके मम्मी पापा मतलब मेरे मम्मी पापा, चेतन के मम्मी पापा सब यहीं आ गए थे, यहीं पे रुके हैं। कल बहुत हमने बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद आज सुबह से मैं बस काम में लगी हुई थी, खाना वाना बनाना, नाश्ता वाश्ता करना, सब कुछ कराना, वो सब ख़त्म किया है। अभी मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ, अभी 12:30 बज चुके हैं। मैं शायद 7:30 बजे उठी थी, अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और मैंने करी है थोड़ी सी पैकिंग, क्योंकि अभी हमें निकलना है मुरादनगर के लिए, चेतन के घर जाना है। तो चेतन की सिस्टर रंजीजा जी आ रहे हैं तो उनसे भी मिलना है। और अभी मैं यहाँ का आपको बता देती हूँ, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, पापा का बर्थडे है तो पता नहीं सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पापा मम्मी को भी निकलना है और हमें भी निकलना है, बट एटलीस्ट मैं सबसे मिलवा देती हूँ। हाँ पापा बता पापा ये वाले बात तुम्हारे से। ये तो मेरी अमीरी का हुआ है। क्या बोलो बोलो सुनाओ। थैंक यू फॉर अच्छा चेतन। तो पापा को मिला है गिफ्ट चेतन की तरफ से, और मैं तो गिफ्ट दिया चेतन ने, और चेतन और चिनू को थैंक यू। नहीं ये बता चुगली किसकी चल रही थी? पापा तो उसकी बता रहे हैं कहानी। नहीं चुगली, मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ। अच्छा कब की? जब हम गरीबी ड्यूटी नौकरी किया करते थे, अच्छा अच्छा खाना लाते थे, और मेरी वही 4 रोटी प्याज और उसमें गुड़ रखा रहता, सब ना वो मेरी रोटी टूट के पड़ते, वो देसी घी में चिपड़ी रह गई थी उनकी, वैसी रहती तो रोटी बड़ी स्वाद लगती, सब मेरी रोटी खींचते, फिर मैं उनका माल पाड़ता, वो मीट माट सब खा ले। पहले अदिति कह रही है बात, चिनो सुनो सुनो मीट की बात। चेतन हैं अदिति क्या कह रहे थे? जब लग मोम मोम आई थी चिनो वाली, रोटी वाली चिनो, कल अदिति ऊपर गई अपने पापा के साथ, तो गरी पापा आप बुरा मत मानने, जो क्या जो क्या चिनो मौसी की रोटी ना मम्मी से ज्यादा टेस्टी होती है। बेटा शुरू की जो रोटी है ना वो मम्मी ने बनाई है। आज वो आटा तेरे मम्मी पापा को भी दिला दिया, चलो जो हम ले गए। वो मम्मी के घर की रोटी थी, वो मम्मी के घर के आटे की। आटा गूंदा मैंने था लेकिन सेकी मम्मी ने थी, और वो मम्मी के घर का आटा है। मैं यही बोल रही हूँ, उसमें इवन आपको पता है उसके अंदर चने का आटा और जौ का आटा मिक्स था। छिलके के साथ कम अमाउंट, थोड़ा कम अमाउंट डालो, उतना नहीं ऐसे नहीं, 2 किलो के उसमें 1/2 किलो चाहे 1/2 किलो जो बस, तो 3 किलो हो गया, और मिला के पिसवा लो तो मिक्स हो गया वो पूरा। बेटा मौसी नहीं वो नानी का कमाल है। देसी रोटी बनाती है इसकी दादी, बनाती है मम्मी रोटी बनाती है, उनकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है, थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती है, एकदम सॉफ्ट। मम्मी के हाथ की रोटी खा के अलग ही मजा। मौसी की सॉफ्ट कैसे हो सकती है? मेरी दादी की रोटी रोटी वो घूसे से टूटी थी तो भूल गया लगता है। आज अम्मी ने देखी ना। मम्मी कह रही मैं वहां आ गई ना तो वहां भी बना दूंगी, फिर चाहे कोई लड़ता रहे, कोई बोलता रहे, कोई कंप्लेंट करता रहे। यहां पे जाएगा भी ना, नानी को बस ये तो बोल नहीं ना, वो है ना
अरे बहुत खुश हो गए। अच्छा तो आप अपने पास ही रखो। वो कटवारिया में ऐसे खाना खाती थी ना कि जैसे कोई दिक्कत ही नहीं, और जैसे वो यहाँ आती थी तो इतने नखरे करती थी कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं रखना था नानी के पास। यहाँ वो एक रोटी 2 घंटे में खाती थी और मैं उसको ये 2 रोटी थोड़ी देर में ऐसे मुसल मुसल के तो भाई अब निकलना है तो बातें बातें तो होती रहेंगी। मैं फटाफट कर लेती थोड़ा सा मेकअप और फटाफट निकलते हैं, ठीक है? चल रहे हो जितिन जी? आप भी चल रहे हो? आप ही के घर जा रहे हैं क्या? हाँ कुछ ना, बस पहले टीका लगा दे। हमारे बच्चा हाँ भाई ठीक है मामला। हाँ जी हेलो रेडी। क्या क्या है ये? ब्रेसलेट है। क्यों? और ये वो वाला ब्रेसलेट ना जो मंगल बाजार में मिला, इसकी गारंटी है मंगल बाजार में। तो भी सोच रही हूँ, बेशक डायमंड ना लेकिन क्वालिटी है। और ये स्कफ्स हैं जो शर्ट में लगा के बिल्कुल मिल रही है, ये किसी भी कोट में और किसी भी शर्ट ब्लैक में लगते हैं। ब्लैक शर्ट पे या फिर व्हाइट शर्ट पे जैसे लगाओगे ना रात में शादी में जा रहे हो तो उसमें बड़ा मेरे वाली फिट आएगी। इस सूट पे ज्यादा बढ़िया लगेगी भाई। वाह अब तो मेरा खुश साइज भी बहुत सही हो गया। खुश तुम ना ले रही, तुम ना ला लो, सही हो गई है, फिट आ रही है, भी है। फिट आ रही एकदम फिट। मेरे पास भी है कुछ। मेरे पास मेरे पास खोल लो इसे, बहुत ही मस्त अनबॉक्सिंग करते हैं। और नोनी के कपड़े चेंज हो चुके हैं क्योंकि नोनी को परेशानी हो रही थी उस फ्रॉक में। मेरे को मिले हैं बहुत सारे गिफ्ट। बहुत ही अच्छा वाला वाओ। ओ बेटे भाई सलवार से है, छोटी मोटी चीज ना, यूज किया इसकी तो बॉटल इतनी अच्छी लग रही है, खोल लगा बहुत सुंदर लग रही है। ये पता है वैसे डेकोरेशन में यूज कर सको। बिना लगा एकदम तो क्या हो गया, अंकित भी ला सके? ऐसे क्या बात हो गई? ऐसा कुछ ना, मैं ले लूंगी अंकित, मैं ले लूंगी सीके। हाँ वो सीके था, वो भी अभी तक चल रहा है। नहीं तुम्हारे तनाई ना, तेरा नाक बंद, तेरा कोविड तो ना। मेरे भी लगाओ, मेरे भी लगाओ। थैंक यू पैसे भी मिले और मिले मिले बहन ने मिले इसको मिले पैसे इसने भी कमाई। नोनी को तो मिलना ही था, नोनी को तो मिलना ही था ना, है ना नोनी? मिलना था ना। ये नोनी को बना दे ब्रेसलेट। नोनी का भाई, ये नोनी की है भाई, नोनी को बना दे ब्रेसलेट। नहीं भाई तू अभी इसके पहनने के वो नहीं है, तू बहुत बड़ी। दे 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 बस तू। नहीं दे रही मम्मी, तू
तुम बस हमें मिला रहे हो। तो भाई ये घिया की लोच है ना, घिया की लोच, और ये भेजी है अंकित की मम्मी ने, घर पे बनाई है। बहुत टेस्टी है यार। निकल कर पक रही है। कहाँ जाओगी नोनी, कहाँ जाएगी? फूंक मारियो हल्की हल्की, हल्की हल्की चेतन, हल्की हल्की फूंक, कोई बात नहीं, कोई हल्की हल्की फूंक मार, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हुआ हुआ भी कभी। इधर देख रहे हैं, किसकी गलती है? पकड़ ले। तो फाइनल हो गया है भाई, जैन शिकंजे जा रहे हैं। कहाँ पे है जैन शिकंजे? कहीं और भाई, एक घंटे तो लग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। फाइनल हो गया है कि जैन शिकंजे जा रहे हैं, हम निकल लें घर, तो बाकी देखी जाओगी। मौसम भी बिगड़ने वाला हो रहा है, लग रहा है बारिश आई गई है सर। अभी तो नहीं आई। एक ये बच्चा है, इसको चुप कराने के लिए। जैन शिकंजे, चलो उठो उठो। पापा कितनी जल्दी कह रहे नहीं, देखिए नाच रही है, देख देख देखो कितने नाच रही है। बता रहा हूँ ना, ये रोवेगी भैया। पापा तो दे ही नहीं रहे तेरे को, देखने लगी अभी। राक्षस आ गया, राक्षस भैया है वो। पापा ने मुंह भी फिरा दिया। छोटा सा कील लगवा, छोटा सा कील। हाँ जरिए अब तो अभी बहुत ही बहन है मुझे। नहीं जब इसे यूज आएगा ना कि हाँ मेरे पास है कोई बचाने वाला। जाऊंगी नहीं, नहीं भाई। चेतन ने एक बार रुला दिया इसे, और अभी चेतन के पास आ भी नहीं रहे और पापा दे भी नहीं रहे। ना तेरे मत दे, दे मत दे ना पापा, दे मत दे ना, नहीं करे नाना, दे मत दे ना, ना हम ना दे। नहीं चली जाए, एक बार पापा दे, एक बार थोड़ी सी रुवा दो। वो सगी माँ है ना, तू सौतेली माँ है।